हे गाइस वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग आए हैं कहाँ है आप ही देख लो, आप ही देख लो, भजनलाल डेयरी। ये वसई के पास है, ऑलमोस्ट नायगांव के करीब, वसई के पास ही है। तो अभी आज हमारी 6 मंथ एनिवर्सरी। हाँ, 6 मंथ एनिवर्सरी भी आज, उसमें मुझे कहाँ लेके आई, भजनलाल डेयरी में। तो देखना था जिसलिए मैं लेके आ गया हूँ, तो देख लेते हैं यहाँ पे। बने रहिए, अब क्या क्या बताते हैं आपको वीडियो में। और तो देखो यहाँ पे, मतलब जो ये पॉट वगैरह, मतलब जो प्लांट वगैरह है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब रेट में, बजट में मिल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे पॉट हैं, मतलब भजनलाल डेयरी में पॉट भी मिल रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पॉट हैं। यह आ गए हम भजनलाल डेयरी, और यहाँ पे बहुत भीड़ है आज, और बहुत ही फेमस जगह है। वीकेंड में तो यहाँ पे रश रहता ही है। और यहाँ पे प्योर मिल्क का प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी खाना है सब प्योर मिल्क। यहाँ पे गौशाला भी है बहुत बड़ी उस तरफ। तो यहाँ पे आज एक प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पे पनीर की चीज़ कुछ भी नहीं मिल रही है, पनीर पकौड़ा भी नहीं है जो मुझे खाना था, और एक चटपटा पनीर वो भी खाना था। बोले कि पनीर का स्टॉक नहीं है अभी, और फिलहाल अभी ये लस्सी ली है हमने, एक मैंगो लस्सी है और एक नॉर्मल लस्सी है। मैडम लस्सी का लुक उतार रही है, देखते हैं और कुछ रहेगा तो देखते हैं। घी का रेट क्या है यहाँ पे, घी का रेट पूछना पड़ेगा। 850 है। मिठाई विठाई भी है, मगर मेरे को जो चाहिए था वो मिला नहीं इतना लंबा आने के बाद। कोई नहीं, लॉन्ग ड्राइव ही अच्छा था। खट्टा है, बहुत सारे प्लांट भी लगे हुए हैं यहाँ पे। भाई भैंस आ गई। इधर ऑलमोस्ट 1500 से 2000 भैंसे हैं, और वहाँ पे सामने गौशाला है। यहाँ भैंस नहा रही है, पानी गिर रहा है ऊपर से, इधर भी पानी गिर रहा है। देखो ये देखो, पानी गिर रहा है इधर भी। नहाने का टाइम हो गया इन लोगों को लगता है, ठंडा कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1500 से 2000 भैंसे। देखो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है सभी का। ऐसी भैंसे अपने गांव में मिलेगी क्या? आती है ना इतनी ऐसी, देखो फुल फुल एकदम खाई पी हुई, हट्टी खट्टी भैंसे। वहाँ पे दो बच्चे भी है, खट्टी खट्टी भैंसे। अभी इनकी लस्सी पी के आए हैं, हमारे इनके दूध की लस्सी पी है। बोले बोले मशीन लगी है, मशीन से दूध निकालते हैं लोग। तो यहाँ पड़ी है मशीन, ये रही मशीन, दूध निकालने की मशीन रही है। अच्छा है, इसे लगा दिया एक बार, फटफट सब बाहर। ऐसे नहाने का मजा और कोई सोने का मजा ले रही है। फुल पानी गिर रहा है इनके ऊपर। तो ऐसे सोई है ये, बच्चे पैदा हुए इनके। वहाँ पे भी देखो, वहाँ पे भी, आप जहाँ तक देखो दूर दूर तक भैंसे ही भैंसे दिख रही है। ऑलमोस्ट 1500 से 2000 भैंसे हैं यहाँ पे। और इसके पीछे सामने की साइड में गौशाला है, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2000 के करीब गाय रही है, है ना? हाँ, इधर भैंसे और सामने गाय है। यहाँ गांव से भी ज़्यादा महंगा घी मिलता है, मतलब राजस्थान से भी ज़्यादा महंगा। 850 रुपया किलो, 850 रुपये किलो घी है। यहाँ देखो सभी भैंसों में मुझे एक चीज़ यूनिक दिखी है, ये भैंस का बच्चा ही है, मगर ये कॉम्बिनेशन है इसका, वाइट और ब्लैक दोनों कलर है इसमें। अब देख सकते हो इसका चेहरे पे, देखो वाइट वाइट है। और ये है भैंस का बच्चा। भैंस तो पूरी काली ही होती है, मगर ये पता नहीं, ये वाइट है, इसके पैर पूरे वाइट है आधे, देखो, और सर देखो उसका वाइट है। ये अंग्रेज है, मतलब अंग्रेज गाय और भैंस का कॉम्बिनेशन लग रहा है। अरे बाप रे। तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से, और देख लिया है सब कुछ, निकलते हैं। क्या बोल रहे हो? हाँ निकलना तो है, निकलना है। अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें वगैरह, मतलब अच्छा तो लग रहा है। और रश तो देखा नहीं, कितना है, लोग आते हैं।
भीड़ तो है ही। हाँ वो तो है, प्लांट वहाँ पे बहुत सारे। हाँ प्लांट भी बहुत सारे हैं, प्लांट अपने को प्लांट लेने का नहीं, फिलहाल ले लिए 7-8 प्लांट वहाँ पे पड़े हुए हैं। नज़दीक ही है वैसे, कांदिवली से तो नज़दीक ही है, आ सकते हैं। और यहाँ पे ऑन द वे वसई विरार हाईवे तो पब्लिक आती रहती है यहाँ पे। तो यहाँ तो इसी के साथ हम इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। ओके गाइस, बाय बाय।